नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षकों ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं निदेशक बेसिक शिक्षा को 7 वर्षों से रुके पदोन्नति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हजारों पद पिछले 7 सालों से विभागीय पदोन्नति न होने के कारण खाली हैं, जबकि अध्यापक सेवा नियमावली में प्रत्येक 3 साल में अध्यापकों की वरिष्ठता की सूची जारी कर पदोन्नति किए जाने का प्राविधान किया गया है। सालों से पदोन्नति न होने के कारण समस्त जनपदों के अधिकांश विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का प्रभार सहायक शिक्षकों को सौंप कर काम चलाया जा रहा है। इससे शिक्षण के साथ साथ कई सरकारी योजनाओं, मिशन प्रेरणा, कायाकल्प, निपुण भारत, DBT पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्षों से पदोन्नति न होने से अध्यापकों में भारी रोष है और उनका मनोबल टूटता जा रहा है। शिक्षकों ने कहा है कि जनपदों में अध्यापकों की वरिष्ठता सूची अध्यापक सेवा नियमावली में निर्देशों के क्रम में शीघ्र जारी की जाए। आइए आपको दिखाते हैं हमारी रिपोर्टर मीनाक्षी वर्मा की खास रिपोर्ट। जी, मैं योगेंद्र यादव अध्यापक हूँ और हम सब आज 75 जनपद से अध्यापक गण इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की पदोन्नति नहीं की जा रही है विगत 7 वर्षों से। चूँकि पदोन्नति एक विभागीय प्रक्रिया होती है और ये समय समय पे पदोन्नति होते रहना चाहिए, तो आज हम लोग इस संदर्भ में डायरेक्टर साहब से, सचिव साहब से और महानिदेशक महोदया जी से मुलाकात किए हैं और अपनी बात रखे हैं। तो हमें आश्वासन मिला है कि हाँ भाई, पदोन्नति होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में यहाँ पे सचिव साहब द्वारा बताया गया कि कोई कोर्ट का मैटर है, तो जबकि वास्तविकता ये है कि कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है और यदि प्रमोशन करना हो विभाग को या शासन को, तो हम तो यही आग्रह कर रहे हैं 75 जनपद के अध्यापक कि हमारा NCTE गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों को पदोन्नत प्रोन्नत यानी कर दिया जाए, पदोन्नति हम लोगों की कर दी जाए। क्यों? क्योंकि कई सारे अध्यापकों द्वारा प्रधानाध्यापक के तौर पे या इंचार्ज अध्यापक के तौर पे कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विभागीय त्रुटि है और हम विभाग से आग्रह करते हैं, शासन से आग्रह करते हैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कि हमारी पदोन्नति यथाशीघ्र करवाने का कष्ट करें। तो आचार संहिता पूर्व ही यदि ऐसा कोई आदेश जारी हो जाता है तो हम पूरे जनपदों के अध्यापक आपके आभारी रहेंगे, विभाग के आभारी रहेंगे और बेसिक शिक्षा परिषद के आभारी रहेंगे, माननीय मंत्री जी के आभारी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी के आभारी रहेंगे और विभाग के आभारी रहेंगे। आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आप अगला कदम क्या? यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो इस संदर्भ में हमारी कमेटी द्वारा आगामी एक दो दिन में फैसला ले लिया जाएगा कि हम लोग अगला कदम क्या उठाएंगे, हम लोग क्या संघर्ष करना चाहेंगे। हो सकता है हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़े, लेकिन ये हमारी एक कमेटी निर्णय लेगी, हम लोग अपना निर्णय लेंगे तो वो एक दो दिन में हम लोग अपना निर्णय ले लेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। इससे पूर्व यदि सचिव महोदय, हो सकता है अधिकारियों से, किन किन मंत्रियों से आप मिलके आए हैं अभी? जी, अभी हम लोग, क्या नाम है उन लोगों का? जी नाम बताइए आप। मैं अवनीश यादव शिक्षक हूँ हरदोई से। मैम, हम लोगों की अभी वार्ता हुई है सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी जो डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन है, सचिव महोदय प्रताप सिंह बघेल जी से वार्ता हुई है, गणेश जी यहाँ पर हैं उनसे वार्ता हमारी हुई है और मैम महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका मैम से बात हुई। उन्होंने अभी तक क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? मैम, उन्होंने कहा पदोन्नति होनी चाहिए, सभी ने यही कहा है कि पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन कोई कोर्ट का मैटर बता रहे थे तो हमने उन्हें कोर्ट के आर्डर्स दिखाए, कोर्ट से किसी प्रकार का इश्ते नहीं है, तो उन्होंने माना हमारी बात को कि हाँ कोर्ट से कोई अब इशू नहीं रह जाता है, जब इतना आर्डर हो चुके हैं कोर्ट से, अब कोर्ट का कोई इशू नहीं रह गया, आपकी पदोन्नति होनी चाहिए। लेकिन मैम कैसे करते हैं ये देखना है अभी। कितने दिन से आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं? मैम पिछले 2 साल से ये मांग कर रहे हैं
पत्राचार द्वारा मांग कर रहे हैं, ज्ञापन देकर के मांग कर रहे हैं और ट्विटर माध्यम से भी मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया माध्यम से भी मांग कर रहे हैं। मंत्री जी से भी मुलाकात किया हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, कई बार मंत्री जी का स्टेटमेंट भी आ चुका है। स्टेटमेंट आने के बावजूद भी यदि विभाग हमारा प्रमोशन नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या त्रुटि है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि आखिर कहां क्या त्रुटि आ रही है। 7 साल हो गया, क्यों नहीं प्रमोशन किया जा रहा है? आप लोगों के स्टेटमेंट के बावजूद भी, माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट के बावजूद भी प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। मांगों को लेकर अगर आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री के पास आप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। हम हर उस दरवाजे जाएंगे जहाँ जहाँ जा सकते हैं। हम अपने हक के लिए हर उस दरवाजे जाएंगे जहाँ जहाँ जा सकते हैं। नहीं तो ये इसमें पूरी लापरवाही किसकी कही जा सकती है? प्रशासनिक लापरवाही है। इसमें प्रशासनिक विरोध है, कहीं ना कहीं विभागीय हीला हवाली है। अगर प्रमोशन करना चाहे विभाग तो कोई ऐसी अड़चन नहीं है, कोई विधिक अड़चन नहीं है, विधिक तौर पे कहीं से कोई स्टे नहीं है। और सरकार चाहे तो 48 घंटे में हो जाए। हाँ, 48 घंटे में आप कर सकते हैं। एनसीटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।